नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क जो है उसकी दूसरी वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो में हमारा टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट होने वाला है जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो जो थी टाइम एंड वर्क के ऊपर पढ़ी थी तो उसमें सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला हमारा क्या था कि एम ठीक है एम डी मसाले की एक जो एड आती थी पहले तो उस ऐड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सपोज करके हमें जो है वो इस फार्मूले को जो है वो याद रखना है कि ये फार्मूला जो है वो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड है ठीक है एक चीज़ और इसमें हमने क्वेश्चन को किया था और हर एक क्वेश्चन जो था तो उसको दो बार किया था कहने का मतलब कि हर एक हमने वैराइटी को किया था सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो थे वो हम बड़े थे और हर एक क्वेश्चन को हमने दो बार किया था इसलिए क्योंकि एक में कई बार ऐसा होता है कि एक बार जब हम उस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें जो है वो उतनी समझ नहीं आती है तो दूसरी बार दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमारी जो क्लैरिफिकेशन होती है तो वो ज्यादा हो जाती है तो ये कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ पंद्रह बीस क्वेश्चन किए थे तो आज की वीडियो में भी मैं कोई फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन जो है वो उनको लेके आया हूं और हर एक क्वेश्चन जो होगा तो जैसे एक क्वेश्चन जो है होगा तो वो मतलब एक टाइप के क्वेश्चन दो होंगे और हर एक की वेरिएशन जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग होगी तो अगर हम इन सारे क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से अच्छे ढंग के साथ जो है वो करते हैं तो हमारा टाइम एंड वर्क के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलेगा तो हम उसको जो है वो आसानी से जो है वो उसको सॉल्व कर पाएंगे और वो वाले मार्क्स जो है वो हमारे लिए ऐसे हम बोल सकते हैं कि फ्री के मार्क्स होंगे ठीक है तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि ए एंड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन डेज ठीक है ए और वी जो है वो दोनों एक काम को करते हैं उस काम को वो थर्टी डेज में कर देते हैं वाइल वी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन ट्वेंटी फोर डेज ठीक है बी और सी करते हैं उस काम को चौबीस दिन में कर देते हैं ठीक है बी एंड सी इन हाँ एक और चीज है यार वो चीज मेरे से यहां पर जो है वो छूट गई है ठीक है वो क्या है कि सी उसके बाद आता है सेम इन ट्वेंटी फोर डेज फेयर सी एंड ए हाँ फिर उसके बाद एक और है इसके बाद ठीक है इसके बाद यहाँ से याद रखना कि सी एंड ए जो है वो उस काम को कर देते हैं सी और काम ए जो है वो उस, उस काम को जो है वो ट्वेंटी डेज में कर देते हैं ठीक है ट्वेंटी डेज में कर देते हैं उसके बाद फिर उसके बाद फिर ये शुरू कर देना ठीक है तो ये क्वेश्चन को थोड़ी जो है वो मेरे को टाइप करने में क्वेश्चन को थोड़ी जो है वो जल्दी कर दिया मैंने तो उसके बीच जो है वो थोड़ा सा रह गया तो इस क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन क्या है कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन थर्टी डेज ए और बी जो है वो थर्टी डेज में करते हैं एक काम को उसी काम को बी एंड सी जो है वो चौबीस दिन में करते हैं और उसके बाद सी और ए जो है वो उस काम को बीस दिन में जो है वो कंप्लीट कर देते हैं यह जहां तक हो गया फिर उसके बाद दे आल वर्क टूगेदर फॉर टेन डेज ठीक है दस दिन के लिए ए बी और सी जो है वो इकट्ठा काम करते हैं देन बी एंड सी जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं उसके बाद इन हाउ मेनी मोर डेज विल ए कंप्लीट द वर्क ठीक है तो उसके बाद कितने ज्यादा दिन लगेंगे कि जब जो है वो ए जो है वो उस काम को कंप्लीट कर देगा इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है आइए हम इसको देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे उसने क्या बोला कि ए एंड बी देखो ए एंड बी ठीक है ए और बी जो है वो एक काम को जो है वो कितने दिन में करते हैं थर्टी डेज में ठीक है तो थर्टी में करते हैं वैसे ही उसने दूसरा बोला कि बी एंड सी ठीक है तो ये आ गया बी और ये आ गया हमारा सी ठीक है बी और सी जो है वो उस काम को कर देते हैं ट्वेंटी फोर डेज में ठीक है ट्वेंटी फोर डेज में फिर तीसरा बोला था सी एंड ए ठीक है सी और ए जो है तो वो उस काम को कर देते हैं कितने बीस दिन में ठीक है बीस दिन में अब देखो यहां तक हमें पता है लेकिन ये जहां पर भी है ए और बी फिर बी मतलब यहां पर कॉमन है फिर सी जहां पर कॉमन है और ए जहां पर कॉमन है हमें क्या करना है सबसे पहले ए को निकालो बी को निकालो सी को निकालो इस केस में से हमें ए बी और सी जो है वो उनको किस तरीके से निकालना सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना है मतलब ए, एक एक एफिशिएंसी जो है वो उनकी निकालनी है सबसे पहले जैसे ये हो गया इतने दिन में करते हैं इनका हमने एलसीएम निकालना है एलसीएम कैसे निकालते हैं एलसीएम हम निकालते हैं जैसे ये हो गया तीस हो गया ठीक है फिर चौबीस हो गया और फिर बीस हो गया ठीक है तो दो के साथ जाएंगे बिल्कुल जाएंगे पंद्रह दुने तीस हो गए बारह दुने चौबीस हो गए और दस दुने बीस हो गए ठीक है उसके बाद फिर जाएंगे जी दो के साथ बिल्कुल जाएंगे पंद्रह तो नहीं जाएगा पंद्रह वैसे ही रहने तो छः दुने बारह और पाँच दुने कितने हो जाएंगे दस हो जाएंगे फिर उसके बाद दो के साथ जाएगा बिल्कुल पंद्रह नहीं जाएगा लेकिन तीन दुने छ हो गया और पाँच जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा यहाँ पर हम पांच के साथ लेंगे ठीक है तो पांच पांच आ, नहीं तीन के साथ लेंगे ठीक है तो तीन पाजे पंद्रह हो गए और ये तीन वैसा का वैसा ही रहेगा और एक पांचे पांच हो गया फिर पीछे तीन बज गए तो तीन एक त्रया त्रे हो गया और एक त्रया और एक त्रे तो ये आ गया हमारा पाँच त्र पंद्रह पंद्रह दोनों त्री त्री दोनों साठ सात दोन एक सौ बीस ठीक है तो एक सौ बीस जो है वो हमारा क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क जो है वो कितना आ गया हमारा 120 ठीक है तो ये कितने 30 चौके 120 होते हैं 30 चौके 120 होते हैं चौबीस पाँच एक सौ बीस होते हैं चार पाँचे बीस चौबीस पाँचे बीस और बीस सिक्का एक सौ बीस होते हैं ठीक है बीस सिक्का एक सौ बीस होते हैं यहां तक आई होप आपको पता चल गया होगा ये हमारी एक मतलब ये आ गई एक एफिशिएंसी हो गई कि एक दिन की एक दिन में ए और बी जो है वो चार यूनिट काम करते हैं बी एंड सी पाँच यूनिट काम करते हैं सी एंड ए जो है वो छह जूनट काम करते हैं अब हमें क्या करना है देखो लेकिन एक, हमें क्या निकालना है एक ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है बी एक दिन में कितना काम करता है सी कितना करता है अब भी हमारा एक दिन की एफिशिएंसी निकल गई लेकिन इसको हम ऐसे लिख देते हैं वन डे एफिशिएंसी, ठीक है एफिशिएंसी लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है कि ए और बी की निकल रही है हमें सिर्फ ए के बारे में पता करना है देखो ये कॉमन है तो हम क्यों ना यहां से ये करें कि टू जो है वो उसको कामन ले लें और ए प्लस बी प्लस सी लिख लें ठीक है ऐसे लिख लें हम और इज इक्वल टू ये कितना करते हैं छः और पाँच कितना होते हैं ग्यारह और चार पंद्रह ठीक है तो फिफ्टीन यूनिट हो गए हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको टू को इस साइड लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इज इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टीन बाई टू लिख सकते हैं हम बिच इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है हो हो गया, गया। अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं देखो ए बी और सी तीनों बंदे एक दिन में सात पॉइंट पांच यूनिट जो है वो काम कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं तो हम जो है वो इसमें से देखो ए और बी अगर एक दिन में चार यूनिट काम कर रहे हैं तो हमें सी निकालना हो तो हमें पता चल जाएगा देखो ए बी और सी हमें निकालना है कि सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं ए और बी और सी जो है वो एक दिन में अगर सात पॉइंट पाँच काम कर रहे हैं देखो सात पॉइंट पाँच जो है वो ए बी सी तीनों कर रहे हैं ठीक है तो उसमें से हम ए और बी को निकाल देते हैं तो ए और बी एक दिन में चार यूनिट काम कर रहे हैं तो उसमें से हमने चार निकाल दिया तो इसका मतलब सी जो है वो कितना काम करेगा चार और तीन सात तो ये करेगा तीन पॉइंट पाँच जो है वो यूनिट काम करेगा सी ठीक है सी जो है वो तीन पॉइंट पांच यूनिट काम करेगा आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी सी हमने कैसे निकाला कि देखो ए और बी एक दिन में जो है वो चार यूनिट काम कर रहे हैं और ए और बी और सी जो है वो एक दिन में चार पॉइंट पॉइंट सात पॉइंट पांच यूनिट जो है वो काम कर रहे हैं हमें निकालना सी है तो हम सी जो है वो देखो सभी में से हमने जो है वो ए और बी को निकाल दिया तो सी निकलेगा ना तो सी हमारा जो बचेगा तो वो हमारा सी आ गया ठीक है थ्री पॉइंट फाइव जो है वो ये हमारा सी आ गया वैसे ही हमें जो है वो अब निकालना है जैसे बी निकालना है ठीक है तो बी निकालना है तो सारे कितना काम कर रहे हैं सात पॉइंट पाँच बी हमने निकालना है तो हमने क्या करना है सी माइनस ए सी और ए को हम निकाल देते हैं तो सी और ए एक दिन में जो है वो छः यूनिट काम कर रहे हैं तो सात पॉइंट पाँच में से हम छः यूनिट जो है वो माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बचेगा एक पॉइंट पाँच ठीक है एक पॉइंट पाँच एक पॉइंट पाँच जो है वो बी आ जाएगा अब ए को हम निकालेंगे तो ए कितना आएगा सात पॉइंट पाँच में से हम माइनस करेंगे किसको ए ए मतलब बी और सी को कर देंगे तो ए आ जाएगा बी और सी को निकालेंगे देखो ए बी और सी है ठीक है तो ए और बी सी जो है वो सात हैं उसमें से बी और सी जो है वो पाँच यूनिट काम करते हैं तो सात में से पाँच करेंगे ना तो सात में से पाँच करेंगे तो पीछे कितना बचेगा ये पाँच और दो सात तो ये आ जाएगा हमारा दो पॉइंट यूनिट आ जाएगा आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ आ गई होगी ठीक है एक पॉइंट जो है वो बी आ गया ये ए इतना आ गया सी इतना आ गया एक एक-एक की एफिशिएंसी हमें यहां तक पता चल गई कि एक दिन में एक बंदा जो है वो कितना काम करता है ठीक है उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कहा था कि दे ठीक है अब टोटल काम कितना है 120 यूनिट सपोज करो यहां से लेके यहां तक जो है ये काम है 120 यूनिट ठीक है ये कितना है 120 यूनिट है उसने कहा कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज देखो यहां तक के लिए हो गए सपोज करो 10 दिन ठीक है 10 डेज हो गए और 10 दिन जो है वो सभी ने इकट्ठा काम किया सभी ने इकट्ठे काम किया ए ने भी बी ने भी सी ने भी तो एक दिन का ये कितना काम करते हैं 3 4 और 2 6 छः और एक सात सात पॉइंट एक दिन में ये सात पॉइंट यूनिट काम करते हैं तो दस दिन में कितना करेंगे ये करेंगे पचहत्तर यूनिट ठीक है 75 फाइव यूनिट जो है वो काम करेंगे दस दिन में ठीक है अब देखो 75 फाइव यूनिट दस दिन में इन्होंने काम कर दिया पीछे कितना बचा एक सौ बीस एक सौ बीस में से पचहत्तर निकालेंगे पचहत्तर और पच्चीस और बीस पच्चीस और बीस कितने होते हैं बीस और बीस चालीस और पैंतालीस यूनिट तो 45 यूनिट जो है वो काम बच गया उसने बोला देन बी एंड सी सी जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं 10 दिन के लिए सभी ने काम किया फिर बी और सी जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं तो पीछे कौन बचेगा ए बचेगा ना तो ए जो है ये 45 यूनिट को काम करेगा ए एक दिन में कितना काम करता है ए एक दिन में दो यूनिट जो है वो काम करता है दो पांच यूनिट जो है वो काम करता है तो ये कितने दिन में इस काम को फिनिश करेगा देखो दो पॉइंट पांच है ना अगर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव इंटू टेन कर सकते हैं हम ठीक है अब देखो पांच दूने दस हो जाएंगे और पांच पाँच पच्चीस हो जाएंगे एक पांच ये गया ये पांच ये गया ठीक है और पैंतालीस दूने कितने हो जाएंगे पैंतालीस दूने हो जाएंगे हमारे नब्बे नब्बे बाई पांच हो जाएंगे पांच एक पांच और अठारह बाई नब्बे तो इज इक्वल टू ये काम जो है वो कितने अठारह डेज ठीक है कितने अठारह डेज में जो है वो ये जो है वो उस काम को बचे हुए काम को जो है वो कंप्लीट कर देगा ठीक है तो यहां से जहां तक जितना काम बचेगा तो उसको ए ही काम करेगा तो ए जो है वो उसको कितने दिन में 18 डेज में उस काम को जो है वो कंप्लीट कर देगा आंसर हमारा क्या आ जाएगा 18 डेज ठीक है अब यहां पर सबसे पहले एलसीएम का लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं हम कई बार क्या करते हैं कि एल्सियम हम इस टाइप से निकालते हैं लेकिन इस टाइप को छोड़ के हम दूसरी टाइप से भी एल्सियम जो है वो उसको निकाल सकते हैं कैसे अगर हमें दो दिए होंगे हमें सपोज करो जैसे पाँच और छे हैं ठीक है ए और बी है ठीक है तो हमने एल्सियम निकालना है हम हर बार जो है वो ऐसा नहीं निकालेंगे हम क्या करेंगे वहां पर कि जैसे छे बड़ी जो है ना तो उसके बाद साथ देखेंगे कि छः में पाँच आता है नहीं आता है मल्टीप्लाई करेंगे छः दूने बारह पाँच में आता है नहीं आता है फिर क्षेत्र अठारह पाँच आता है नहीं आता है फिर छे चौके चौबी फिर पाँच आता है नहीं आता है छः पांच त्री पाँच सीके त्री तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा तीस होगा मतलब दोनों का एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा तो वो हमारा तीस होगा ये होगा कि जब हम दो की बात कर रहे हैं जब तीन की बात कर रहे हैं तो फिर हमें जो है वो इसी तरीके से जो है वो करना होगा हालांकि अगर दो का भी दिया होगा हम इस तरीके से करते हैं ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी लेकिन हमारे पास एग्जामिनेशन में जब हम बैठे होंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो उसकी बहुत कमी होगी जिसकी वजह से हम जो है वो यहां पर जो है वो टाइम ज्यादा जो है वो लगेगा तो जिसकी वजह से हमें क्या करना है टाइम को बचाना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसमें एक दूसरी वेरिएशन होगी तो आइए इसको देखते हैं कि क्या इसमें है कहता है ट्वेंटी डेज बोला है और वाई के लिए उसने टेन डेज बोला है ठीक है एक्स स्टार्ट वर्क अलोन एंड लेफ्टन आफ्टर 4 डेज y ज्वाइन हिम टिल द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क हाउ लॉन्ग वर्क विल बी हाउ लॉन्ग विल द वर्क लास्ट यार इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले क्या करना है देखो एक एक्स बंदा है एक्स जो है वो एक काम को जो है वो बीस दिन में कर देता है ठीक है बीस दिन में कर देता है फिर दूसरा बाई है बाई जो है वो उस काम को जो है वो दस दिन में कर देता है ठीक है हमने इनका एल्सियम निकालना है LCM होता है लोएस्ट कामन मल्टीपल ठीक है लोएस्ट कामन मल्टीपल क्या होगा बीस देखना है सबसे बड़ी बीस में दस आता है बिल्कुल आता है तो हम इसका बीस ही रख देंगे ठीक है तो 20 आ गया 20 एकम 20 हो गया और 10 दून 20 हो गया तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई एक दिन की एक दिन में एक्स जो है वो एक यूनिट काम करता है और वाई जो है वो दो यूनिट जो है वो काम करता है तो वन डे एफिशिएंसी जो है वो उनकी आ गई ये ठीक है उसके बाद देखो ये हमारा यहां से यहां तक काम है ये टोटल कितना है बीस यूनिट ये काम है उसने ये बोला उसने बोला कि एक्स द वर्क अलोन तो ये काम जो है वो एक्स ने शुरू किया एक्स जो है वो इकट्ठा काम अकेला जो है वो काम कर है एंड देन आफ्टर फोर डेज बाई ज्वाइन मतलब चार दिन तक इसका मतलब एक्स ने ही काम जो है वो किया एक्स ने चार दिन तक काम किया एक्स एक दिन में एक यूनिट काम करता है चार दिन में वो कितना चार यूनिट काम कर देगा चार यूनिट काम कर देगा तो बीस में से चार निकालो पीछे बचे हमारे पास सोलह तो 16 तो यूनिट बचे तो फिर क्या करता है वाई ज्वाइन हिम ज्वाइन करता है वाई उसको इसका मतलब फिर दोनों काम करते हैं तो दोनों जो है वो एक दिन में दो और एक तीन यूनिट काम करते हैं तो सोलह बाई तीन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये सोलह बाई तीन करेंगे हम तो पंद्रह पांच पॉइंट तेतीस हो जाएगा ठीक है तो पांच पॉइंट तेतीस जो है वो आ जाएगा ठीक है तो पांच पॉइंट तेतीस दिनों में जो है ये दोनों जो है वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे ठीक है उसने बोला हिम एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क हाउ लॉन्ग विल द वर्क लास्ट तो वो जो है वो काम जो है वो कितनी देर तक जो है वो चलेगा तो पाँच पॉइंट तैतीस दिन ये हो गए पाँच और चार चार दिन ये हो गए पाँच और चार कितने होंगे नौ पॉइंट तैतीस दिन तक जो है ये काम जो है वो चलेगा तो आंसर इसका नौ पॉइंट तैतीस जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ठीक है सबसे पहले यहां पर मतलब हमें क्या करना है जो हमें एक बारीकी से हर एक पॉइंट को जो है वो पकड़ना है अगर हमसे कोई भी पॉइंट जो है वो छूट जाता है तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये और ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं हम ये बोल सकते हैं और ये हमें मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा क्लैरिफिकेशन बोलेगी एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी फोर एंड थर्टी टू डेज रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली जब भी दिया है मैंने आपको बार बार बोला है कि एक्स जो है वो पहले के लिए होगा ट्वेंटी फोर के लिए होगा और वाई जो है वो थर्टी टू डेज के लिए होगा दे दिगेन टूगेदर वो डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एक्स लीव ठीक है तो ऑफ फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डेज हमने क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो निकालना फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड ठीक है सबसे पहले एक्स है एक बंदा एक्स जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है एक्स जो है वो उसको 24 डेज में जो है वो उस काम को कर देता है दूसरा आ जाता है वाई वाई जो है वो उस काम को 32 डेज में जो है वो करता है ठीक है हमें जो है वो इनका क्या निकालना एलसीएम निकालना ऐसे हमें अगर देखो ये बड़ी रकमें होती है ना जो जैसे 24 का हमें मल्टीप्लाई आती है नहीं आता है टेबल आता है नहीं आता है 32 का टेबल आता है नहीं आता है तो हमें क्या करना है इसका हम साइड पे जो है वो बना सकते हैं जैसे 32 हो गया और 24 हो गया 2 के साथ जाएगा 16 दोन 32 हो गया 12 दोनों चौबीस हो गया ठीक है दो के साथ जाएगा आठ दुने सोलह हो गया छः दुने बारह हो गया दो के साथ जाएगा चार दुने आठ हो गया तीन दुने छ हो गया फिर दो के साथ जाएगा दो दूने चार हो गया और तीन वैसा का वैसा रहेगा फिर दो के साथ जाएगा एक हो गया तीन तीन दुने छह दुने चौबीस दुने अतालीस दुने नाइन्टी सिक्स तो इनका क्या आ जाएगा नाइन्टी सिक्स जो है ये टोटल आ जाएगा ठीक है नाइन्टी सिक्स तो चार तरह बारह चार चौके सोलह मतलब चौबीस चौके चौबीस चौके कितना हो जाएंगे छियानवे हो जाएंगे चौबीस चौके छियानवे हो जाएंगे एंड देन बत्तीनवे हो जाएंगे बत्ती छियानवे हो जाएंगे तो एक दिन में ये इतना इतना काम जो है वो करते हैं ये वन डे इन इनकी दोनों की जो है वो निकल जाएगी एक चीज फिर हमने क्या करना है जहां से ये एक काम है ये आ गया हमारा काम नाइनटी सिक्स यूनिट ये काम है उसने बोला है हा ये दोनों जो है वो एक काम को कर रहे हैं लेकिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फोर डेज ठीक है बिफोर देखो फोर डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क देखो ये काम जब कंप्लीट होगा ना इससे चार दिन पहले इसका मतलब ये हो गया चार दिन ये यहां से यहां तक चार दिन पहले चार दिन पहले वर्क एक्स लिप्स ठीक है तो एक्स जो है वो छोड़ देता है इसका मतलब ये काम जो फिर सिर्फ वाई ने किया होगा तो वाई जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है वाई जो है वो एक दिन में तीन यूनिट काम कर रहा है तो देखो बाई जो है वो एक दिन में तीन यूनिट काम कर रहा है चार दिन बाई ने किया तो चार इंटू तीन कितना हो जाएगा बारह तो इसका मतलब बारह यूनिट जो है तो वो बाई बाई ने किया बारह यूनिट छियानवे में से बारह हम निकालेंगे पीछे कितने बचेंगे एटी फोर तो एटी फोर यूनिट जो है तो ये दोनों ने किया था ना काम एटी फोर यूनिट ठीक है दोनों ने किया था तो दोनों जो है वो एक दिन में चार और तीन सात यूनिट जो है वो काम करते हैं ठीक है तो ठीक है तो इसको हम जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हमारा बारह ठीक है सात बारह सत्तर चौरासी ठीक है तो बारह तो ये बारह दिन में जो है वो ये उस काम को ये दोनों जो है वो यहाँ तक जो है वो करेंगे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज बारह दिन ये हो गए चार दिन ये हो गए बारह और चार कितना हो जाएंगे सोलह डेज तो सिक्सटीन जो है वो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन में क्या था मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया लेकिन धीरे धीरे यार एक और चीज मैं बताता हूं जो कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि मेरी बोलने की स्पीड जो है वो ज्यादा है आप क्या करना साइड पे आपके यूट्यूब के साइड पे ऊपर जाके तीन डॉट बने होंगे वहां से उन डॉट्स को करके आप प्ले वीडियो की जो प्ले की जो स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं और उसको कम करके जब आप देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से जो है ये समझ आने वाला है ठीक है इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले एफिशिएंसी निकाली एलसीएम निकाला टोटल फिर एफिशिएंसी आ गई एक घंटे की ठीक है जब फिर एक दिन की जहाँ पर डेज की बात हो रही है तो डेज की एफिशिएंसी निकाली फिर उसने जैसे जैसे बोला है उसको तो उस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो आइए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तो इसमें भी वेरिएशन है इसको भी ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछा जा सकता है क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज देयर एज वी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन बारह डेज ठीक है बी जो है वो उसको बारह दिन में कर देता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज इन विच दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज एंड द वर्क इज स्टार्टड बाई ए यार अल्टरनेटिव डेज क्या होते हैं सबसे पहले इस चीज़ को समझना अल्टरनेटिव डे होते हैं कि जैसे एक दिन दो बंदे काम कर रहे हैं एक बंदा बीस दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता है और दूसरा जो है वो उस काम को जो है वो बारह दिन में कम्प्लीट कर देता है लेकिन फिर जो है वो बंदे जो है वो उस काम को करते हैं अल्टरनेटिव डेज एक दिन ए करता है दूसरे दिन दूसरा करता है जो बंदा 20 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है एक दिन वो करता है एक दिन अगले दिन जो है वो वो बंदा काम करता है जो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से करना है अल्टरनेटिव वालों को तो, तो आइए हम इसको देखते हैं सबसे पहले देखो सबसे पहले वैसे ही करना है कि ए हो गया ए जो है वो एक काम को जो है वो बीस दिनों में करता है वहीं पे बी जो है वो उसी काम को जो है वो कितने बारह दिनों में जो है वो करता है अब इनका हमने क्या निकालना है एलसीएम एलसीएम जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे देखो सीधा लिख देते हैं बीस हो गया और बारह हो गया ठीक है दो के साथ जाएंगे दस दुने बीस हो गए छे दुने बारह हो गए ठीक है दो के साथ जाएंगे पाँच दुने दस हो गए तीन दोने छ हो गए ठीक है और फिर तीन कर दो पांच रहेगा और एक रहेगा पाँच ते पंद्रह दोने तीस दो साठ तो साठ इनका आ जाएगा

ए ने काम किया सबसे पहले तो तीन यूनिट फिर पाँच अगले दिन फिर तीन वाला करेगा फिर पाँच वाला फिर तीन वाला हम करेंगे देखो तीन हो गए पाँच आठ हो गए आठ और तीन ग्यारह हो गए ग्यारह और पाँच कितने हो गए ग्यारह पाँच हो गए हमारे सोलह सोलह तीन उन्नीस उन्नीस पाँच उन्नीस और पाँच उन्नी हो गए हमारे चौबीस चौबीस और तीन सत्ताईस सत्ताईस और पाँच हमारे हो गए बत्तीस बत्तीस और तीन हो गए पैंतीस पैंतीस और पांच हो गए हमारे चालीस चालीस और तीन तैंतालीस हो गए तैंतालीस और पांच हो गए हमारे अड़तालीस अड़तालीस और तीन हो गए हमारे इक्यावन इक्यावन और पांच हो गए छप्पन छप्पन और तीन हो गए हमारे फिफ्टी नाइन ठीक है फिफ्टी नाइन ठीक है यहाँ तक हो गए फिफ्टी नाइन मतलब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह मतलब पंद्रह दिनों में फिफ्टी नाइन फिफ्टीन डेज़ में जो है वो काम हो गया फिफ्टी नाइन ठीक है फिफ्टी नाइन यूनिट्स ठीक है तो एक यूनिट बचा तो हमें जो है वो उसके बाद ऑप्शन भी दिए होंगे कि हाँ भाई बताओ फिफ्टीन पॉइंट टू डेज में या फिर सिक्सटीन डेज में या एटीन डेज में या ट्वेंटी डेज में ठीक है तो ऑप्शन जो है वो हमें पता चल जाएगा कि अगर फिफ्टी नाइन यूनिट किए फिफ्टीन डेज में है तो थोड़ा सा ही आगे होगा तो फिफ्टीन पॉइंट टू डेज में करेगा ठीक है तो अगला जो है वो उसके द्वारा आएगा अगला फाइव वाला आएगा लेकिन फाइव से ज़्यादा हो जाएगा तो इट मीन्स कि फिफ्टीन पॉइंट टू डेज में लेकिन ये बात होगी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और हो जाएगा लेकिन यहाँ पर यूनिट जो है वो टोटल सिक्सटी है सपोज करो यहाँ पर जो है वो सात सौ हो जाए या आठ सौ हो जाए फिर हम कितना आगे जाएंगे कितना इसको जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो आगे जाएंगे वैसे में हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसको भी मैं बताता हूँ ठीक है आंसर इसका फिफ्टी 15.2 जो है वो वही है वैसे किस टाइप से हम करेंगे इस क्वेश्चन को तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे हम देखो ए जो है वो एक दिन में कितना हमने देखा था तीन यूनिट और बी जो है वो एक दिन में कर रहा है पांच यूनिट ठीक है इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो वो कितना कर रहे हैं पाँच और तीन आठ मतलब दो दिन में दो दिन में आठ यूनिट काम हो रहा है ठीक है अब देखो अठो अट्ठा चोट करेंगे अठो अट्ठा करेंगे आठ को आठ के साथ करेंगे तो सिक्सटी फोर हो जाएगा हमें तो सिक्सटी से कम जाना है टोटल सिक्सटी यूनिट थे ना वहां पर हमने देखे थे अठ सत शिपुंजा आठ को हम सात के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा शिपुंजा हो जाएगा अठ सत्य छिपुंजा हो जाएगा ठीक है और इसको भी हमने सात के साथ ही करना है तो सात दो कितना हो जाएंगे चौदह हो जाएंगे तो इसका मतलब चौदह डेज में जो है वो फिफ्टी सिक्स यूनिट जो है वो उसने काम किए लाइट चला गई अच्छा फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट किसकी बारी आएगी ठीक है तो नेक्स्ट जो है वो आ जाएगी ए ने जो है वो शुरू किया ए ने जो है वो शुरू किया था तो फिर जो है वो उसके बाद किसकी बारी आएगी बी की बारी आएगी ठीक है उसके बाद जो है वो सेवन के बाद एट की जो है वो फिर जो है वो बी की बारी आएगी अब बी की जब बारी आएगी तो वो पाँच यूनिट करेगा तो सॉरी ए की बारी आएगी ए की बारी जब ए की बारी आएगी चौदह दिन हो गए ना तो फिर ए आएगा पंद्रहवें दिन जो है वो ए आएगा जब ए आएगा तो फिर ये हो गए पंद्रह दिन दिन और यहाँ पर तीन यूनिट और और आ जाएंगे तो ये हो गए हमारे फिफ्टी नाइन यूनिट ठीक है तो आंसर जो होगा तो वो हमारा फिफ्टी पॉइंट टू होगा दूसरा जो है वो जैसे मैंने आपको बोला था सिक्सटीन होगा या फिर ट्वेंटी होगा जैसे भी होगा या फिर बारह होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिफ्टी टू जो है वो उसका आंसर जो है वो रहने वाला है इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को तब करना है जब जो है वो हमारे यूनिट्स जो है वो ज्यादा होंगे ठीक है जो हमारा जो एलसीएम निकालेंगे हम उन दोनों का तो वो जो है ज्यादा होगा अगर हमारा कम होगा सो के पीछे होगा तो फिर हमने जो है वो उसी तरीके से जो है वो करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा क्लरिफिकेशन मिलेगी वहां ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन पता कैसा है ये क्वेश्चन है जैसे ए, हमारा जो पेपर होगा ना तो ये होगा हमारा जैसे एक प्री लेवल का पेपर होता है ना तो वैसा क्वेश्चन आएगा हमें इसमें ठीक है जो हमारा पेपर होगा तो जैसे प्री आ, होता है ना एक प्री होता है प्रिलियम्स होता है और एक मेन्स होता है तो जो हमारा पेपर जो होगा तो ये प्रिलियम्स के लेवल के क्वेश्चन जो है वो हमारे डाले जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा और जल्दी जल्दी करना है ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मेन्स के हिसाब से है लेकिन प्री में भी पूछ सकते हैं जेके एस भी है कुछ भी पूछ सकता है तो इस टाइप के एक क्वेश्चन जो था वो हमें करना चाहिए जिससे हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि दूसरे क्वेश्चन अगर इस टाइप के आएंगे तो हम किस तरीके से जो है वो करेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है इसके लिए जो थोड़ा टाइम लगता है कहता है कहता है कि इफ़ टेन मैन टेन मैन आर एटीन बॉयज कैन डू वर्क इन फिफ्टीन डेज ठीक है तो वो पंद्रह दिन में उस काम को कर सकते हैं कर दें देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई फिफ्टीन मैन एंड थर्टी थ्री बॉयज़ टू बी ट्वाइस द वर्क ट्वाइस काम करने के लिए कितना दिन जो है वो लगेंगे नंबर ऑफ डेज हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ डेज निकालना है सबसे पहले यहाँ पर एक दो चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखना सबसे पहले एक आ गया आर और एक आ गया एंड ठीक है जब हमें आर आया होगा तो हम इक्वल टू करेंगे और एंड जो होगा तो एंड का मतलब यहां पर प्लस होगा ठीक है एंड का मतलब प्लस होगा तो आइए देखते हैं सबसे पहले देखो उसने बोला टेन मैन आर एटीन बॉय कैन डू वर्क जो है वो उसको पंद्रह दिन में कर देते हैं तो कहने का मतलब कि दस मैन जो है तो वो एक काम को जो है वो पंद्रह दिन में जो है वो कर देते हैं बिल्कुल यही बोला और आर एटीन बॉयज तो इसका मतलब एटीन बॉयज जो है तो वो उस काम को पंद्रह दिन में जो है वो कर देते हैं बिल्कुल कहने का मतलब कि दस मैन जो है दस मैन जो हैं तो वो इज इक्वल टू हो गए एटीन बॉयज के यही तो मतलब हुआ ना कि जब दस मैन जो है वो पंद्रह दिन में काम कर रहे हैं एटीन बॉयज जो हैं वो पंद्रह दिन में वो भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब दस मैन की वैल्यू कितनी होगी एटीन बॉयज के बराबर होगी अगर हम इसको आगे लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन बाई एटीन दैट इज कॉल्ड एज बी ठीक है तो बी ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इसको बिल्कुल लिख सकते हैं फिर दूसरा उसने बोला देन द नंबर ऑफ डेज कितने डेज बोलेंगे रिक्वायर्ड फॉर फिफ्टीन मैन एंड थर्टी थ्री बॉयज क्या आ गया दूसरा फिफ्टीन मैन ठीक है फिफ्टीन मैन एंड बोला है तो एंड के लिए हमने प्लस लगा देना है थर्टी थ्री बॉयज ठीक है थर्टी थ्री बॉयज तो बॉयज के लिए हमने ये लिख देना है तो इनटू कर देंगे हम एटीन बाय मिनट टेन वाई है यार टेन बाई एटीन है टेन बाई एटीन है एटीन वाई नहीं है ये टेन बाई एटीन है ठीक है तो टेन बाई एटीन कर देंगे इसको ठीक है तो देखो इसको हम कैसे कर देंगे बिल्कुल 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 पांच दूने दस कर देंगे और नौ दूने अठारह कर देंगे ठीक है त्र त्रया नौ कर देंगे और ग्यारह त्रया तेती हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएगा इसके आगे मैन लिख दो ठीक है और इज इक्वल टू कितने दिन में करेंगे ठीक है अच्छा फिफ्टीन मैन हो गया प्लस ग्यारह पाए कितना होते हैं हमारे पास ग्यारह बाएँ पचुंजा होते हैं पचुंजा बाई तीन कर देंगे हम इज इक्वल टू कितने मैन हो गए अच्छा ये मैन नहीं है ये भी ठीक है ये लिख देना साथ में फिफ्टीन मैन देखो फिफ्टीन देखो पंद्रह तरह पैंतालीस हो जाएंगे तो इसको हम पैंतालीस लिख देंगे पैंतालीस मैन प्लस फिफ्टी फाइव मैन डिवाइडेड बाई थ्री कितना हो गया ये ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास पैंतालीस और पचपन कितना हो गया हमारे पास हंड्रेड तो हंड्रेड बाई थ्री हो गया हमारे पास ठीक है ये कितना हो गया हंड्रेड बाई थ्री हो गया ठीक है तो ये हमारे मैन आ गए क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने करना है उसने बोला था कि देखो उसमें फार्मूला क्या था जो हमने पहला किया था कि एम इंटू डी इज इक्वल टू डी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू डी वन टू ठीक है काम के लिए हमें बोला नहीं था मैन और करते हैं तो दस मैन हो गए उसके बाद इज इक्वल टू दूसरे एम कितने निकले हमारे तो हंड्रेड बाई थ्री ठीक है तो हंड्रेड बाई थ्री निकले तो वो कितने दिनों में जो है वो काम करेंगे ठीक है उस काम को कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारा हम इसको ऐसे ही लिख देंगे दस जरबे पंद्रह हो गया हमारा डेढ़ सौ हाँ सौ हो गया सौ बाई ये जब जहाँ पे आएगा तो सौ बाई थ्री हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारा डी टू हो जाएगा अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दस जरबे पंद्रह दस जजरबे पंद्रह थ्री जो है ये इनके साथ जब ऊपर जाएगा तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम थ्री कर देंगे डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो जाएगा ठीक है इज इक्वल टू डी टू हो जाएगा ठीक है अब देखो पंद्रह दया कितना हो जाएगा एक सौ पचास पंद्रह दया एक सौ पचास एक सौ पचास इंटू थ्री एक सौ पचास इंटू थ्री कितना हो जाएगा तीन जीरो जीरो पाँच त्रह पंद्रह एक त्रैकम त्रे एक चार हो जाएगा चार सौ पचास देखो चार सौ पचास डिवाइडेड बाई सौ so, ठीक है ये जीरो गया ये जीरो गया तो दस चौके चालीस इसका मतलब चार पॉइंट पांच आ जाएगा तो चार पॉइंट पांच चार पॉइंट पांच जो है वो हमारा आंसर आ गया लेकिन ठीक है चार पॉइंट पांच दिनों में लेकिन उसने बोला था कि ये जो बॉयज हैं तो ये उस काम को ट्वाइस दो गुना काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो दो गुना ही टाइम लगेगा ना दो गुना ही ये लगेंगे चार पॉइंट पांच का दो गुना कितना हो जाएगा तो नाइन डेज हो जाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा नाइन डेज जो है वो आ जाएगा आंसर ठीक है तो ये याद रखना ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स इन द सेंस की इंपॉर्टेंट है हमें ये पता होना चाहिए कि, कि किस टाइम पे हमने जो है वो किस टाइप से जो है वो उस क्वेश्चन को जो है वो निकालना है ठीक है तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है ना तो इट मीन कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं ठीक है ये क्वेश्चन इसके ए, मतलब इसके बेस पे है कि बाकी सारे क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन तभी जो है वो आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है अब ये जो क्वेश्चन हैं तो इनके चांस जो है वो 90 परसेंट चांस हैं ये मैं हंड्रेड नहीं बोल सकता लेकिन 90 परसेंट चांसेस हैं ये जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो इनके पेपर में आने के लिए क्योंकि मैंने बड़ी बार ये वाले क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखे हैं क्वेश्चन क्या है सबसे पहले कहता है कि ए ए वी एक मिनट यार लग चल रहा ए बी एंड सी कैन वर्क इन फोर फाइव एंड टेन डेज रिस्पेक्टिवली है तो आपको पता ही होगा बार-बार बताने की जरूरत नहीं है। है है? जो वो कमाते हैं, ठीक शेयर ऑफ ईच तो सभी का जो है वो कितना कितना शेयर होगा ए जो है वो एक दिन में चार यूनिट काम करता है बी जो है वो पांच यूनिट काम करता है ठीक है सॉरी ए जो है वो एक चार दिन में एक काम को करता है बी जो है वो उसी काम को पाँच दिन में करता है सी जो है वो उसी काम को दस दिन में करता है ठीक है तो उनको वो काम करने के लिए तीन सौ दस रुपये मिलते हैं तो सभी का जो है वो शेयर कितना होगा ठीक है तो हमने सबसे पहले एक दिन में कितना काम करते हैं तो वो निकालना है सबसे पहले ए आ गया ठीक है ए आ गया ए जो है वो उस काम को करने के लिए चार दिन में उस काम को करता है बी जो है वो उस काम को पांच दिन में करता है सी जो है वो उस काम को दस दिन में करता है ठीक है दस दिन में करता है सबसे पहले निकाल दो एल क्या आएगा चार आ गया पाँच आ गया और दस आ गया ठीक है दो के साथ जाएगा बिल्कुल जाएगा दो दुने चार हो गया पाँच नहीं जाएगा और पाँच दुने दस जाएगा ठीक है फिर उसके बाद फिर से दो के साथ ठीक है पाँच हो गया और पांच हो गया फिर पांच फिर एक हो गया एक हो गया एक हो गया पाँच दुने दस दुने बीस तो बीस इनका आ जाएगा हमारा टोटल ठीक है काम ठीक है तो चार पाँचे बीस पाँच चौके बीस और दस दूने बीस इसका मतलब एक दिन की इनकी ये आ गई एक दिन में ए जो है वो पांच यूनिट काम करता है ठीक है और बी जो है वो एक दिन में चार यूनिट काम करता है और सी जो है वो एक दिन में दो यूनिट काम करता है बिल्कुल तो उसके बाद इनको ठीक है तो एक दिन में तीनों काम कितना करते हैं ठीक है और चार और दो छ और पांच एक मिनट पांच और चार नौ नौ और दो ग्यारह इकतीस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसमें मैं क्या देख रहा हूँ एक चीज़ मुझे लग रहा है मिसिंग है एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे से टाइप करते वक्त जो है वो ये मेरा गलत हो गया है गलत क्या हुआ है कि मैंने जहाँ पर छः लिखने थे और मैंने जहाँ पर पाँच लिख दिया ठीक है करने को हम इस क्वेश्चन को कर देंगे करने को इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है और इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे लेकिन चक्कर पता क्या है चक्कर ये है कि इसको हम शेयर लेके करेंगे क्यों करेंगे अब आप बोलेंगे कि मतलब ये शेयर लेके इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने जो है वो पहले से किया है नहीं वैसी कोई बात नहीं है देखो क्वेश्चन को जब भी फ्रेम किया जाता है जैसे ये सारे इन सभी का जब बनाएंगे ना ये तीन बनेगा तो इट मीन्स कि ये इनका एक मतलब उस क्वेश्चन को बनाने के लिए बनाने वाले ने उसके लिए देखा होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर जो है वो सेट बैठेगी ठीक है तो अगर हम पाँच लेंगे तो वो फिर सेट नहीं बैठने वाला है तो जिसकी वजह से हमें जो है वो यहाँ पर छः लेना पड़ेगा करने का तरीका जो है वो यही है इस क्वेश्चन को लेकिन तीन की जगह से बजाय फिर जो है वो कुछ और आएगा तो फिर जो है वो उसके साथ जो है वो हम करेंगे चलो हम फिलहाल के लिए हम इसी को लेके जो है वो करते हैं ठीक है नहीं यार चलो छे को लेके करते हैं ठीक है जैसे मर्जी हो जाए लेकिन चलो छे जो है वहां पर तो छे को लेके बात करते हैं दोबारा से इसको ट्राई करते हैं छे को लेके ठीक है हम वैसे भी कर देते थे वैसे भी आना ही था लेकिन वहां पर थोड़ी सी जो थी वो लास्ट में जो है वो वो जानी थी जिसको हम बोलते हैं ना कि वेरिएशन आ जाती हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ए जो है वो एक दिन में यहाँ पर छे है पाँच नहीं है ये छे रखना ए जो है वो एक काम को चार दिन में करता है बी जो है वो उस काम को छे दिन में करता है और सी जो है वो उस काम को जो है वो दस दिन में करता है ठीक है इनके लिए हमने क्या बनाना चार हो गया छे हो गया और दस हो गया ठीक है दो के साथ जाएंगे दो दुने चार हो गया तीन दुने छ हो गया पांच दुने दस हो गया ठीक है फिर दो के साथ जाएगा एक दूना ना हो गया तीन वैसा का, का वैसा रहेगा पांच वैसा का वैसा रहेगा ठीक है फिर तीन के साथ लेंगे एक आ गया एक आ गया और पांच आएगा पैंतरे पंद्रह पंद्रह दुने त्री दुने साठ हो गए तो साठ इनका ये आ गया ठीक है साठ आ गया तो तो कितने चौके होते हैं? तो होते हैं तो ये आ, गया एक दिन की इनकी आ गई ठीक है यहां तक हो गया हमारा फिनिश द वर्क टूगेदर इकट्ठा काम को खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं पंद्रह और दस पच्चीस छ इकतीस एक दिन में इकतीस यूनिट जो है ये काम कर रहे हैं ठीक है और इकतीस यूनिट काम करने के लिए इनको कितना तीन सौ दस यूनिट की वैल्यू जो है, है, है? तो हम 31 ठीक है 31, 31 किया कियाम 31, इकतीस 31. तो इज इक्वल टू दस आ गया एक यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी 10 आ गई तो इन सभी का शेयर कितना होगा छे जरबे दस छाए कितना हो, हो जाएंगे हमारे 60 साठ रुपये जो है वो सी को मिलेंगे और दस दाए सौ सो सौ रुपये जो है वो बी को मिलेंगे और डेढ़ सौ रुपये जो है वो ए को मिलेंगे ठीक है पंद्रह दाया एक सौ पचास हो जाएगा ठीक है पंद्रह दाया एक सौ पचास हो जाएगा देखो अब मैं बताता हूं जो हम ले रहे थे ना पहले पांच ले रहे थे तो पांच से करते तो क्या वेरिएशन आती वेरिएशन कुछ नहीं आती क्वेश्चन हमारा हो जाता वहां पर जैसे यहाँ पर इकतीस यूनिट बन रहे थे क्वेश्चन बनाने वाले ने देखो क्या सोचा जहां पर कि हम जब ये ऐसे लाएंगे तो इकतीस आएंगे इकतीस यूनिट और तीन सौ इकतीस दस के साथ सीधा उठ जाएगा अगर हम उसको लेते यहां पर कुछ और आना था और वैसे ही उठ जाना था सपोज करो उसको अगर हम लेते तो कुछ और आता जहां पर जो है वो आठ आता तो फिर आठ तो आता तो आठ के साथ इसको करना था वैसे ही जो है वो आ जाता तो कहने का मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी आएगा यार हमें तो सॉल्व करना है मेथड अगर हमें पता है तो हम किसी चीज को भी जो है वो शार्ट आउट कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी क्वेश्चन क्या कहता है कि राम कैन डू अ वर्क इन ट्वेंटी डेज राम जो है वो एक काम को बीस दिन में 15 ठीक है? और 400 work, यार एक राम है हमारे पास ठीक है एक हमारे पास राम है उस काम को राम जो है वो बीस दिन में कर देता है ठीक है फिर बीस दिन में कर देता है अब राम और शाम राम एंड शाम जो है वो हमारे पास दो बंदे हैं दो इकट्ठे काम करते हैं उस दिन उस काम को जो है वो पंद्रह दिन में खत्म कर देते हैं तो देखो सबसे पहले हमें शाम का निकालना होगा कि शाम जो है वो उस काम को के लिए जो है वो क्या होगा तो हमें सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी है अब देखो दो के बीच में एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें जो है वो ऐसे करके एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है कि हम हर टाइम जो है वो ऐसे करें हमें बड़ी रकम देखनी है बड़ी में छोटी आती है मल्टीप्लाई होती है नहीं होती है देखो बीस एकम बीस पंद्रह बीस में आता है नहीं आता है बीस दूने चालीस पंद्रह आता है नहीं आता है बीस त्रया साठ होता है पंद्रह चौके साठ होता है तो इट मीन्स की सिक्सटी जो है वो इनका एलसीएम हो गया ठीक है सिक्सटी जो है वो एलसीएम हो गया अब बीस त्रिया साठ हो गए और पंद्रह चौके

शाम जो है वो एक दिन में एक यूनिट ही काम करता होगा ठीक है क्योंकि चार और तीन में से तो एक ही डिफरेंस होता है तो शाम जो है वो एक दिन में एक यूनिट ही काम करता होगा फिर उसने बोला कि इफ दे आर पेड आर एस चार सो फॉर दैट वर्क ठीक है उस काम के लिए उनको जो है वो चार सौ रुपए दिए जाए ठीक है तीन और एक चार तो इसका मतलब चार यूनिट की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू फोर हंड्रेड चार सौ रुपए तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी चार सौ बाई चार ठीक है तो इज इक्वल टू हंड्रेड तो एक यूनिट जो होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास सौ रुपये उसने बोला देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच तो दोनों का जो है वो शेयर कितना होगा तो ये एक यूनिट काम कर रहा है तो इसको सौ रुपया मिलेगा ठीक है सी शाम को सौ रुपया मिलेगा ये तीन यूनिट काम कर रहा है इसको तीन सौ रुपये मिलेंगे तो ये इनका शेयर हो गया ठीक है तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना तो इस क्वेश्चन में क्या है कि है कुछ भी नहीं है लेकिन हम जब देखते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और हम जब कन्फ्यूज होते हैं तो उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा है कुछ कुछ भी दिन ही है इस क्वेश्चन में आइए करते हैं हमें पता चल जाएगा कहता है कि पी वर्क्स फोर टाइम्स एज फास्ट एज क्यू ठीक है तो पी जो है वो चार टाइम्स फास्ट काम करता है क्यू से ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है ठीक है पी जो है वो चार टाइम्स जो है वो फास्ट काम करता है क्यू से तो इसका मतलब फोर इस टू वन हो जाएगा फोर टाइम्स जो है वो फास्ट करता है क्यू से वीयर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क फाइव टाइम्स एज फास्ट एज आर ठीक है पी और क्यू जो है देख तो, तो ये आर से कितना पांच टाइम्स जो है ये इकट्ठे जो है वो तो पांच टाइम्स काम जो है वो ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब देखो ये दोनों जो है वो तो पांच टाइम्स ज्यादा तो चार यूनिट ये करता है पांच ये करता है तो हो गए पांच टाइम्स तो पांच टाइम्स ज्यादा करते हैं तो ये वन इज टू तो फाइव हो जाएगा इन इन दोनों के साथ ठीक है वन इज टू तो फाइव हो जाएगा ठीक है टूगैदर वर्क इन अ जॉब एंड देन वट इज द रेशियो शुड दे शेयर इन देयर अर्निंग तो वो कौन सी रेशियो जो है वो शेयर करेंगे तो शेयर इनकी रेशो तो यही होगी ना पी हो अच्छा, के संबंधित क्वेश्चन था अब रेशो वाले जब हम करेंगे, कल से क्वेश्चन तो को हम वहां पर देखेंगे लेकिन ये रेशो जो है तो जब हम टाइम एंड वर्क में पूछी जाएगी तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होंगे तो इनको भी देख लेना प्लीज एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क टुगेदर फॉर आर एस तीन सौ रुपए एक ए और बी दो बंदे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तीन सौ रुपये का ए अलोन कैन डू इट इन एट डेज ए जो है वो उस काम को जो है वो आठ दिन में कर देता है और बी जो है तो उस काम को जो है वो बारह दिन में कर देता है बट विद दी हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इन फोर डेज चार दिन में सी की मदद से जो है वो उस काम को ख़त्म कर देते हैं हमें शेयर ऑफ सी जो है वो देखना है सी का शेयर कितना होगा देखो सबसे पहले तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है तीन सौ रुपए का ए जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है ए जो है वो उस काम को करता है एट दिन में ठीक है एट डेज में करता है बी जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है बारह दिन में करता है और फिर उसने बोला है कि विद दी हेल्प ऑफ सी दे फिनिश वर्क इन फोर डेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों बंदे जो है वो उस काम को जो है वो चार दिन में जो है वो खत्म कर देते हैं तो हमें जो है वो सबसे पहले एल निकालना है एल हम कैसे निकालेंगे आठ को लो फिर बारह को लो फिर चार को लो ठीक है तो दो के साथ जाएंगे बिल्कुल चार दूने आठ हो गए छः दूने बारह हो गए दो दूने चार हो गए फिर दो के साथ जाएगा बिल्कुल दो दूने चार हो गए तीन दूने छः हो गए और एक दूना दूना हो गया फिर दो के साथ जाएगा एक दूना दूना हो गया और तीन नहीं जाएगा एक भी नहीं जाएगा तीन दुने छह दोने चौबीस तो चौबीस इनका आ जाएगा हमारा टोटल यूनिट तो अठतरिया चौबीस हो जाएंगे बारह दुने चौबीस हो जाएंगे और चार सिक्के चौबीस हो जाएंगे ठीक है चार सिक्के चौबीस हो जाएंगे यहां से एक चीज देखना देखो एक दिन में ए जो है तो वो कितना काम करता है तीन यूनिट काम करता है ठीक है और बी जो है वो एक दिन में दो यूनिट जो है वो काम करते हैं बारह दुने चौबीस हाँ बी जो है वो एक दिन में दो यूनिट काम करता है और ए बी और सी जो है वो कितने छ यूनिट काम करते हैं तीनों बंदे ठीक है छ यूनिट जो है वो तीनों बंदे काम करते हैं यहां से हमें सी के बारे में पता चलता है कि सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है देखो ए और बी जो है वो एक दिन में तीन और दो पांच यूनिट काम करते हैं तो ए बी और सी जो है वो छे यूनिट काम करते हैं तो सी कितना करता होगा सी तो एक ही यूनिट काम करता होगा ना आइए समझ क्या है कि ए और बी जो है वो तीन और दो पांच यूनिट काम करते हैं तो सी ए बी और सी जो है वो ये एक दिन में छह यूनिट काम करते हैं तो इसका मतलब पांच यूनिट निकाल देंगे ए और बी को निकाल देंगे तो सी बचेगा सी जो है वो एक यूनिट बचेगा तो सी जो है वो एक दिन में एक यूनिट काम करता है ठीक है उसने बोला कि बारह डेज बट विद हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इन फोर डेज देखो सी की मदद से वो चार दिन में जो है वो उस काम को जो है वो कंप्लीट कर देते हैं ठीक है कहता है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी तो सी का हमें शेयर जो है वो फाइंड करना है तो देखो अब इसको क्या करेंगे तीन और दो पांच एक मिनट यार तीन यूनिट ये हो गए दो यूनिट ये हो गए बी इतना करता है और सी इतना करता है तीन दो पांच और एक छे छे यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी छे यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल कितना है तीन सौ छे यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी तीन सौ ठीक है एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास तीन सौ बाई शे हो जाएगी छ इकम शे छः इकम शे और पाँच तीस, इट मीन्स कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पचास आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू पचास आएगी उसने बोला फाइंड द शेयर ऑफ सी तो सी का जो है वो हमें शेयर निकालना है तो सी सी को कितना है पचास रुपये मिलेंगे ठीक है हमें जो क्वेश्चन पु, पूछा है कि सी को कितने मिलेंगे सी को जो है वो पचास शेयर जो है वो सी का है अगर हमें पूछे कि ए का कितना है तो ए का शेयर हो जाएगा पचास त्रया डेढ़ सौ हो जाएगा वन फिफ्टी हो जाएगा अगर हमें पूछे कि बी का कितना होगा तो पचास दूर सौ रुपए जो है वो बी को मिलेंगे हालांकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ सी का पूछा है तो सी का शेयर जो है वो यहां पर पचास होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसमें वेरिएशन है ठीक है तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना क्या बोला उसने कि ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू अ वर्क ऑफ़ साढ़े छे सो सौ छ सौ साठ रुपए के लिए तीन बंदे जो है वो काम करते हैं कौन कौन है ए है बी है और सी है, है तीन बंदे जो है काम करते हैं साढ़े छे सौ रुपए का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ठीक <coughs> है <coughs> उसने बोला ए बी एंड सी तीन बंदे हैं उनको उनको वो एक काम करते हैं वो काम करने के लिए उनको कितना छह रुपए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फिर बोला कि ए एंड बी टुगेदर डू एट बाई एलेवन ऑफ द वर्क यार इसमें वेरिएशन है और इसको ध्यान से देखना ए और बी जो है वो एट बाई अलेवन ऑफ द वर्क करते हैं एंड द रेस्ट इज डन बाई सी और उसके बाद जो जो बचा वो सी करते हैं अलोन ठीक है एंड देन हाउ मच शुड सी गेट तो सी को जो है वो कितना पैसे मिलेंगे देखो एट बाई एलेवन लिखा है हमने क्या करना है ए एंड बी टूगेदर डू एट बाई इलेवन तो हमने ये लिखना है कि ए प्लस बी जो है वो एट बाई इलेवन लिखा है तो एट यूनिट काम करते हैं ए और बी और सी जो बचा तो आठ में से ग्यारह कितने आगे तो तीन यूनिट तो इसका मतलब 3 यूनिट ये काम करता है अब हमने क्या करना है ग्यारह <coughs> हो गए टोटल कितने हो गए हमारे पास ग्यारह यूनिट हो गए तो ये हो गए ग्यारह यूनिट ठीक है ग्यारह यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी छह सौ साठ रुपए हो जाएगी छह सौ साठ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी छे सौ साठ रुपये डिवाइडेड बाई 11, ग्यारह इंकू 11, ग्यारह ग्यारह सी के साठ तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी हमारे पास साठ एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास साठ आ जाएगी और उसने बोला कि हाउ मच शुड सी गेट तो सी को जो है वो कितना मिलेगा तो साठ इंटू थ्री कर थ्री दे, कर देंगे ठीक है थ्री इंटू सिक्सटी कर देंगे तो हमारे पास एक सौ अस्सी आ जाएगा तो एक सौ अस्सी रुपए जो है वो सी को मिलेंगे अगर ऐसे ही पूछा जाए कि ए और बी को जो है वो कितने मिलेंगे तो ए और बी को मिलेंगे सिक्सटी इंटू एट करेंगे ठीक है आठ जीरो जीरो आठ सी अड़तालीस चार सौ अस्सी रुपए जो है वो उसको मिलेंगे ठीक है ए और बी चार सो अस्सी मिलेंगे और इसको जो है वो चार सौ अस्सी के बाद उसके बाद बाकी जो बचे तो वो इसको मिलेंगे ठीक है इसको मिलेंगे एक मिलेंगे ठीक रुपए ये क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन है आवाज तो भी, भी नहीं आ रही है ठीक है क्या है ए बी एंड सी तीन बंदे ए बी एंड सी जो है वो अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर आर एस सात सौ सात ठीक है सात सौ सात रुपए के लिए तीन बंदे काम करते हैं ए एंड वर्क एंड द रेस्ट इज डन बाई सी अलोन ठीक है तो बचा हुआ काम जो है वो सी करता है देन हाउ मच सी गेट तो सी को जो है वो कितना मिलेगा सबसे पहले देखो ए बी एंड सी उसने बोला कि ये इतने रुपए के लिए काम करते हैं ए एंड बी टूगेदर फाइव बाई सेवन तो इसका मतलब ये हो गया ए एंड बी जो है ये फाइव बाई सेवन तो इसका मतलब फाइव यूनिट के लिए ये काम करते हैं ठीक है और फिर बचा सी तो सी जो है वो टू यूनिट के लिए काम करते हैं पांच और दो सात तो टोटल हमारे पास सात यूनिट हो गए तो सात यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास सात सौ सात ठीक है सात सौ सात एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी तो सात सौ सात डिवाइडेड बाई सात तो कितना हो जाएगा एक सौ एक हो जाएगा ना ये एक सौ एक एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारी एक सौ एक है तो उसने बोला हाउ मच सी गेट तो सी के पास दो यूनिट है तो एक तो एक सौ एक दो कितना हो जाएंगे हमारे पास दो सौ दो हो जाएंगे तो दो सौ दो जो है वो सी को मिलेंगे कितने दो सौ दो रुपये जो है वो सी को मिलेंगे ठीक है ये था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दो क्वेश्चन हमारे बचते हैं तो प्लीज इनको यार करके जाना ठीक है क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ दोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना तो इट मीन्स टाइम एंड वर्क कहीं ना कहीं जो है वो आप टाइम एंड वर्क को छोड़ रहे हो अगर आपने ये दो क्वेश्चन कर दिए तो आप ये समझ लेना कि टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट है ये क्वेश्चन आपको क्या देंगे आपको एक जैसे बूस्ट देंगे ठीक है बूस्ट करेंगे आपको तो ये इसलिए ये और सेकंड क्वेश्चन जो आने वाला है इसको इंपॉर्टेंट करना क्वेश्चन क्या है 13th क्वेश्चन है दो ही क्वेश्चन बचे हैं ए, एक ये है और एक नेक्स्ट होगा क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी टुगेदर अर्नड आर एस 1500 इन 10 डेज ठीक है 10 दिन में ठीक है देखो ये है ए बी है प्लस सी तीन बनते हैं ये 10 दिन का 10 डेज में ये कितने रुपए कमाते हैं पंद्रह सौ रुपए जो है वो कमाते हैं फिर ए एंड सी टुगेदर अर्न आर एस आठ सौ इन आठ डेज ठीक है फिर उसके बाद ए एंड सी है ठीक है ये आठ दिन, का, आठ दिन का कितना कमाते हैं आठ सौ रुपए आठ सौ रुपए कमाते हैं ठीक है उसके बाद बी एंड सी टुगेदर अर्न नौ सौ रुपए इन नौ डे में ठीक है उसके बाद कौन आता है बी एंड सी जो है तो ये नौ दिन में नौ सौ रुपए कमाते हैं नौ सौ रुपये कमाते हैं कहता है कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ बी तो हमें बी की डेली अर्निंग निकालनी है इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हमें जो है वो ये आना चाहिए कि हम सभी की जो है वो डेली अर्निंग जो है वो निकाल दें निकाल सकें जब हम सभी की निकाल सकेंगे तो फिर हमें जो पूछने वाला होगा तो वो हमें कुछ भी जो है वो पूछ सकता है और हम कुछ भी जो है वो उसमें से जो है वो निकाल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या है जैसे उसने पूछा है ए बी एन सी तो हमने दस दिन में पूछा है तो हम इसका निकालेंगे कि एक दिन में कितना है एक दिन में कितना कमाते हैं तीनों बंदे एक दिन में एक दिन में कितना कमाएंगे ये पंद्रह सौ पंद्रह सौ डिवाइडेड बाई पंद्रह सौ डिवाइडेड बाई दस ठीक है तो ये गया ये गया ठीक है तो इट मीन्स कि एक दिन में ये एक सौ पचास जो है वो कमाते हैं ठीक है तीनों बंदे एक दिन में एक सौ पचास कमाते हैं ये कितना कमाते हैं एक दिन में तो एक दिन में ये कमाते हैं ये कमाएंगे 800 सौ डिवाइडेड बाई आठ सो डिवाइडेड बाई आठ ये गया ये गया तो एक आ गया तो इट मीनस कि ये सौ रुपया कमाते हैं एक दिन में ठीक है एक दिन में दो बंदे हैं कौन कौन है ए और सी ये सौ रुपया कमाते हैं फिर ये आ गया ये बी और सी एक दिन में कितना कमाते हैं ये एक दिन में जो है ये कितना पैसे कमाते हैं नौ सो बाई नौ ठीक है नौ सौ बाई नौ नौ गया नौ गया ठीक है तो एक बचा विच इज़ इक्वल टू सौ तो ये भी सौ रुपया जो है वो कमाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ बी बी की हमने डेली अर्निंग निकालनी है बी की हम डेली अर्निंग कैसे निकालने हैं देखो ए बी और सी हैं ये एक दिन में ये ये तीनों जो है ये एक दिन में कितने पैसे कमा रहे हैं ये तीनों जो है वो एक दिन में ये आ गया वन फिफ्टी रुपीज़ जो है वो कमा रहे हैं अगर ए उसने हमें पूछा है कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ बी बी की हमने निकालनी है इसकी जो है वो डेली अर्निंग जो है वो निकालनी है तो अगर हम ए और सी को बाहर निकाल दें तो बी बच जाएगा ना ए और सी जो है वो एक दिन में कितने पैसे कमा रहे हैं ए और सी जो है वो एक दिन में कितना सौ रुपया कमा रहे हैं सौ रुपया कमा रहे हैं तो डेढ़ सौ में से सौ निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा पचास रुपये तो बी जो है वो कितने पचास रुपये कमा रहा है ठीक है जो आंसर इसका होगा तो वो फिफ्टी होगा लेकिन हमें सभी के निकालना है कि सभी जो है वो कितने कमाएंगे ए कितना कमा रहा होगा बी कितना कमा रहा होगा अब यहां से हमें बी का निकाल दिया अब बी और सी है तो हम ए का निकाल सकते हैं बी और सी जो है वो एक दिन में कमा रहे हैं सौ रुपया ठीक है।, है एक दिन में सौ रुपये कमा रहे हैं बी और सी तो ए जो है तो देखो सौ रुपया डेढ़ सौ में से सौ रुपया निकालेंगे तो पचास रुपये ए भी जो है वो पचास रुपये कमा रहा है इसका मतलब ये बी पचास रुपये एक दिन में ए भी पचास रुपये एक दिन में पीछे कितने बचे पचास 50 और पचास सौ और सौ पचास हो गए डेढ़ सौ इसका मतलब सी भी जो है वो पचास रुपए जो है वो एक दिन में कमा रहा है ठीक है तो एक दिन की अर्निंग तीनों की पचास पचास हो गई उसने हमें पूछा था सिर्फ बी की तो बी की भी डेली अर्निंग जो है वो पचास रुपए होगी ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिकी है लेकिन मजा आएगा जब आपको समझ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन बोलता है कि ए एन ए बी एन सी टुगेदर अर्न आर एस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इन एटीन डेज़ ठीक है देखो कौन आ गया ये ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया तो ये कितने दिनों में अठारह डेज में अठारह डेज में कितने पैसे कमाते हैं ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ठीक है फिर कहता है कि ए एंड सी टुगेदर अर्न आर एस नौ सौ चालीस इन टेन डेज फिर एंड सी ये कितने पैसे कमाते हैं नौ सौ चालीस दस दिनों में ठीक है टेन डेज़ में कितने कमाते हैं 940 ठीक है 940 कमाते हैं फिर बी एंड सी फिर कौन आएगा ये आ गया बी और ये आ गया सी हो गया बी और सी जो है वो ये कमाते हैं 20 दिनों में 1500 20 दिनों में डेज में ये कितने कमाते हैं 1520 ठीक है 1520 हमने क्या फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी हमें सिर्फ पूछा तो सी का है लेकिन हमें जो है वो सभी की निकालना आना चाहिए हम निकालेंगे सभी की निकालेंगे सी की भी बताएंगे लेकिन सबसे पहले कैसे निकालेंगे ये तो 18 दिन का बोला एक दिन का निकालो ना तो एक दिन का कितना हो जाएगा इनका एक दिन की 2700 डिवाइडेड बाई 18 अच्छा इसको हमने कैसे डिवाइड करना है देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम जो है वो इनको जो है वो किस तरीके से सार्ट आउट करेंगे देखो अठारह इकम अठारह ऐसे कर दो अठारह इक्म अठारह अब अठारह और कितने सत्ताईस होते हैं तो हमें पता है कि अठारह अठारह और दो बीस और सात सताईस सात और दो नौ तो इसका मतलब यहाँ पर नौ बज गए ठीक है अठारह इक्म अठारह और अठारह और कितने सत्ताइस होते हैं अठारह और नौ सताइस होते हैं तो हमें पता कि नौ सौ बज गए अब हमने कुछ नहीं करना अठारह अठ पैंतालीस अठारह पाँच कितने होते हैं अठारह पाँच हमारे पास कितना आते हैं अठारह पाँचें हो गए हमारे पास नब्बे ठीक है अठारह पाँचे कितना हो जाते हैं नब्बे तो नब्बे ये हो गए नौ सौ है ना तो नौ सौ में से नाइन्टी जो है वो कैंसिल तो हो गया तो अठारह पाँच नब्बे हो गए आगे हमारे पास जीरो बच गया तो जीरो हमने इसके साथ लगा देना है तो इसका मतलब एक दिन की उनकी डेली अर्निंग जो है वो इतनी है एक दिन में जो है वो इतना कमाएंगे ए बी और सी कितना कमाएंगे एक दिन में तीनों बंदे एक दिन में कितना कमाएंगे पेन दूसरा ले, ले लेते हैं एक दिन में ये बंदे कितना कमाएंगे ये कमाएंगे डेढ़ सौ रुपए ठीक है दूसरा क्या है दूसरे को लेते हैं दूसरा एक दिन में इनका कितना होगा एक दिन में 940 सौ चालीस बाई नौ सौ चालीस बाई दस ठीक है ये जीरो गया ये जीरो गया ठीक है तो ए की कोई वैल्यू नहीं बिच इज इक्वल टू नाइन्टी फोर ठीक है तो नाइन्टी फोर कौन ए और सी जो है वो एक दिन में कितना कमा रहे हैं नाइन्टी फोर ठीक है उसके बाद बी एंड सी जो है वो एक दिन में एक दिन में कितना कमा रहे हैं एक दिन में ये कमा रहे हैं पंद्रह सौ बीस डिवाइडेड बाई बीस ठीक है बीस देखो अब बीस पंद्रह तो नहीं आएगा लेकिन डेढ़ सौ के हिसाब से एक सौ बुंजा के साथ करेंगे हम देखो बीतने चालीस बी चौके अस्सी बीस का एक सौ बी और बीस सत्ता एक सौ चालीस बीस सत्ते कितना होते हैं एक सौ चालीस ठीक है एक सौ चालीस होते हैं ना एक सौ चालीस होते हैं एक सौ चालीस और कितने जो होते हैं वो एक सौ बुंजा होते हैं तो बारह बचे इसमें से ठीक है बारह और ये बीस मतलब कितने हो गए हमारे सीधे एक सौ बीस बीस सी एक सौ बीस हो जाएगा तो ये भी गया पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो 76 सिक्स जो है ये हमारा इसका आ गया इनकी दोनों की जो है वो डेली का डेली जो है वो अर्निंग इन दोनों की उसने पूछा था हमें कि फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी हमें सी की निकालनी है देखो सी की निकालनी है तो ए और बी है यहां पर नहीं है तो हमने क्या करना है ए और सी देखो सबसे पहले हम बी की निकालेंगे ठीक है बी की कैसे निकालेंगे ए और सी जो है वो अगर हम माइनस कर दें तीनों जो है वो डेढ़ सौ रुपये कमाते हैं ठीक है तो हमने निकालनी है किसकी यहाँ पर बी की निकालते हैं बी की डेली अर्निंग कितनी होगी तो हम ए और सी को हम ए बी सी जो है वो इनमें से निकाल देंगे देखो इसका मतलब वन फिफ्टी में से से हम किसको निकालेंगे नाइन्टी फोर को निकालेंगे माइनस नाइन्टी फोर को निकालेंगे तो एक सौ पचास में से नाइन्टी फोर को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा फिफ्टी सिक्स ठीक है तो बी की हमारी आ जाएगी फिफ्टी सिक्स ठीक है वैसे ही फिफ्टी सिक्स जो है वो जब हमें बी की आ गई बी की कितनी आ गई फिफ्टी सिक्स आ गई फिर हमने निकालनी है किसकी ए की ठीक है तो ए की निकालनी है तो हमें बी और सी को निकाल देना है तो हमने डेढ़ सौ में से जब हमने ए की डेली अर्निंग निकालनी है तो हम एक सौ पचास तीनों का 150 है ना तो 150 में से हम माइनस कर देंगे किसको बी और सी को तो बी और सी 76 सिक्स कमाते हैं 76 सिक्स कमाते हैं तो बिच इज इक्वल टू दस में से छे बाकी चार मतलब बीच इज इक्वल टू सेवेंटी ठीक है तो ए की डेली अर्निंग जो है वो सेवनटी होगी और बी की जो है वो फिफ्टी होगी उसने किसको पूछा था सी की पूछा था तो सी की हम कैसे निकालेंगे देखो इसका भी हमें पता चल गया इसका भी अब सी की कैसे निकालेंगे ना हम इसको और इसको प्लस कर दो देखो 56 हो गए और सेवेंटी फोर हो गए छे और चार दस हो गए ठीक है छे और चार दस हो गए एक बच गया पाँच और एक छे सात और कितने हो गए तेरह तो एक सौ तीस हो गए ना एक सौ तीस रुपए जो है तो बी और ए जो है वो एक दिन में कमा रहे हैं तो हमें क्या निकालना है सी निकालना है और ए और बी और सी जो है वो डेढ़ सौ रुपये कमा रहे हैं तो एक सौ तीस प्लस बीस करेंगे प्लस बीस करेंगे तो एक सौ पचास होगा ना तो इसका मतलब ये जो बीस हैं तो ये बीस जो है ये सी कमा रहा है तो सी हमारा जो है वो बीस आएगा तो सी की शेयरिंग जो है वो कितनी होगी हमारी सी की शेयरिंग जो है वो हमारी रहने वाली है बीस रुपये ठीक है तो सी जो है वो बीस रुपए कमा हमारा है हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो है वो आ, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में इस पेपर में हमें देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ मिल भी सकते हैं भाई क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होगा और अस्सी मार्क्स का पेपर होगा तो हमें जो है वो आने के जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं तो इसलिए जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक करना अदरवाइज जो है वो हम फिर बाद में जो है वो पछताते हैं इसलिए कहते हैं ना कि आ, आ, पहले ही हमें जो है वो अपने आप को संभालना चाहिए और फिर उससे ये होता है कि बाद में जो है वो हम पछताते नहीं हैं ठीक है तो ये थे कुछ क्वेश्चन ये थे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों और इन क्वेश्चंस में हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी वेरिएशंस के बारे में जो है वो बात की है और इसके बाद आज हमारा टाइम एंड वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बनाएंगे और रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है वो एक दो वीडियो में हमारी कंप्लीट हो जाएगी हमारा टारगेट क्या है तीस से पहले हमें जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है बल्कि हमें जो है वो समझ आनी चाहिए ठीक है और एक मतलब बेसिक लेवल से उस चीज़ को उठा के जो है वो टॉप पे पहुंचाना हमारा जो है वो कर्तव्य होगा और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि वीडियो जो है वो लंबी हो रही है और बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए शबा है